आपने नेट न्यूट्रलिटी के बारे में सुना ही होगा, आपने कई बार सुना होगा कि कई देशों में नेट न्यूट्रलिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया है। अगर आप नेट न्यूट्रलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कई देशों में नेट न्यूट्रलिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया है। इसका कारण है, जो मान लो आप कोई आपका कोई वेबसाइट है या कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आपने बनाई है। अब मान लो जो फेसबुक कंपनी है वो जो इंटरनेट देता है, यानी इंडिया में एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनको वो पैसे दे देते हैं कि आपकी वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए और हमारी वेबसाइट प्रायोरिटी पर रखना ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी खुले। उसकी वेबसाइट या तो खुलनी नहीं है या खुलेगी तो बहुत स्लो खुलनी चाहिए। ये होती है नेट न्यूट्रलिटी। उस कंपनी ने जितने भी ISP है या फिर जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सबको पैसे दे दिए हैं कि तुम्हें इसकी वेबसाइट नहीं खोलनी, मेरी वेबसाइट ज़्यादा तेज खोलनी है। तो वो ऐसा ही करते हैं। आप अगर उनके इंटरनेट लेते हैं उनसे, मान लो आपने जियो से इंटरनेट लिया तो जियो ने उसमें लगा दिया लिमिट कि आपकी ये वेबसाइट है ये थोड़ी स्लो खुलेगी, मगर आप अगर फेसबुक खोलते हैं तो ये ज़्यादा फास्ट खुलेगा। ये होती है नेट न्यूट्रलिटी। कई लोगों का कहना है कि नेट न्यूट्रलिटी अच्छा है, अगर कोई ISP नेट न्यूट्रलिटी करता है तो उसका लोग यूजेज छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं है। मान लो आपने कहा कि अगर वो नेट न्यूट्रलिटी कर रहा है तो हम किसी दूसरे ISP के पास ले जाएंगे, मगर अगर सभी ऐसा करते हैं तो आप किसके पास जाएंगे। इसलिए सरकार ने इसे इनलीगल घोषित कर दिया है, मगर इंडिया में अभी तक इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये इंडिया में अभी तक लीगल है, मगर ये एक गैरकानूनी भी है। जल्दी इसके लिए नियम आने वाले हैं कि इसके लिए नियम होंगे कि ये कोई नहीं कर सकता, इंटरनेट सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये होता है नेट न्यूट्रलिटी। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।